वोट डालेंगे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, या अल्लाह नासिर उस्ताद को तो जीता हुआ वोट डालेंगे। बेहतर लीडर कौन है? नासिर उस्ताद। एक बड़ी साजिश है लीडरशिप खत्म करने के लिए उनको लाया गया है, मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाभी समझ रहे नहीं, लोगों को मालूम नहीं, सीट बचाने के लिए फिर बुरखा पकड़ के फिर रहे। अरे मर्द के साथ रहो तुम, वो हारा तो भी लीडर, जीता तो भी लीडर है, ये बेचारी हारी तो भी लीडर नहीं, जीते तो भी लीडर नहीं है। हम नजर में नजर मिला के बात कर सकते, खंधे से खंधा मिला के चल सकते बाजार में हर जगह। ये 5 साल में इतनी कमजोरी आ गई आपको अंदाजा नहीं है, बहुत कमजोरी आ गई 5 साल में। ये जो अब शहर में जो बात चल रही है, उल्लू के बड्डे हैं, क्या बोलना चाहिए उनको, सिर्फ मैंने भी बचा सकती, नासिर उस्ताद नहीं बचा सकते, उन्होंने समझ रहे हम सबको गुलाम, हम गधे को भी ठहरा करो, किसी को भी ठहरा करो, मुसलमान वोट देता है समझ रहे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया पार्टी को, तो हमको बताना है हम किसी के गुलाम नहीं है। अरे मशोरा नहीं कुछ नहीं, एकदम फरमान जारी कर दिए, तानाशाही फरमान, अभी निजाम सरकार का भी वैसा नहीं था, वैसे बढ़के हो गया ये तो। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. मैं समझता हूँ हम यहाँ मशवरे के लिए बैठे हैं और मशवरा नासिर उस्ताद में और मैडम में करना है। 99% तो यही है, बाकी के दूसरे भी और भी पार्टियां हैं, जो और भी लोग हैं, लेकिन दो में हमको एक को चुनना है, इसका मशवरा है ना आज ये। तो ये बताइए, इसमें मैडम के फेवर में कोई ने जरा हाथ उठाइए? एक भी जना हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा, नासिर उस्ताद के फेवर में कोई ने जरा हाथ उठाइए? क्या हुआ निसर साहब, जरा हाथ उठाओ, अच्छा उठाओ। और तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हो चुका है, हम सब नासिर उस्ताद के फेवर में हैं। अगर इसमें कोई मुनाफिकत कर रहे हैं तो अल्लाह उसको देखेगा, दिल से काम करना है हमको सब। तो अब यहाँ मैं समझता हूँ ये मजमा 200 का नहीं है, ये 20,000 का मजमा है। क्या बात, ये 20,000 लोग हैं ये, क्योंकि एक एक शख्स 500-500 1,000-1,000 का शख्स बैठा हुआ है यहाँ पर। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में बात जाके चलाना है। बेहतर लीडर कौन है? नासिर उस्ताद है, जो 24 घंटे में 18 घंटे कभी भी मिल सकता है, क्योंकि हमको रात में 12 बजे कभी भी हमको जरूरत पड़ती, पुलिस केस होते, कई मसाइल आते, आप देखे हैं कमरुल इस्लाम साहब को भी, वो तो 24 घंटे कभी भी ऑन रहते थे। या मैडम तो बेचारे जो है उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, लेकिन बेचारे बोल सकते, उन्होंने नहीं कर सकते कुछ भी। एक बड़ी साजिश है लीडरशिप खत्म करने के लिए उनको लाया गया है, मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाभी समझ रहे नहीं, नहीं समझ रहे, उन्होंने खुद बोलना चाहिए मैं नहीं ठहरती, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर सक रही ना। बहुत, क्योंकि जब MLA बनते हैं जिम्मेदारी बहुत हुकूक अदा ना करना पड़ता है, तो अल्लाह को जवाब दे इसका, अपनी आखिरत बनाने के बजाय दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। 4 लोग हैं उनकी दुनिया बन रही है, लेकिन उनकी आखिरत खराब हो रही। अलखमर में सदर बनाते बोले, बोला भाभी मत बनो सदर, आपको सदर बना के अपना फायदा उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं, आप नहीं बनना सदर, बोला मीटिंग में बोला ये बात। अब यहाँ पे भी वैसा ही है, इनको MLA कौन बना रहे जो खूब कम है पैसा, वही लोग हैं लगे हुए। अच्छा, सीट बचाओ, सीट बचाओ, सीट सिर्फ मैडम बचा सकते हैं, नासिर उस्ताद नहीं बचा सकते क्या? ये जो अब शहर में जो बात चल रही है, उल्लू के बड्डे हैं, क्या बोलना चाहिए उनको, सीट मैडम ही बचा सकती है, नासिर उस्ताद नहीं बचा सकते। अरे बात को टर्न करो भाई, और कभी भी मर्द के साथ रहना, और बहुत बड़ी साजिश है ये मैडम को लाके जो है हमारे ऊपर मुसल्लत करके जो है इनको वोट डालो बोल रहे। अच्छा, उनकी हिम्मत कैसा है भी इतनी,
तुम समझ रहे हम सबको गुलाम, तुम गधे को भी ठहरा करो, किसी को भी ठहरा करो, मुसलमान और देता है समझ रहे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया पार्टी को, तो हमको बताना है हम किसी के गुलाम नहीं है, हम खुद हमारा फैसला लेंगे। जब खमरुल इस्लाम साहब को 2008 में टिकट कट हुई थी तो खमर साहब कभी खुश नहीं थे, खमर साहब आपको मालूम है कि नहीं, कि जब से कांग्रेस ज्वाइन करे रोते रोते जिंदगी गुजरी, रोते रोते मर गए। 2008 में जब टिकट कट हुई थी सिकंदर अहमद बिचारे रोते पड़े थे खमर साहब। हम लोग गए थे धर्म सिंह के घर पे, धर्म सिंह साहब क्या बोले, हाईकमांड का फैसला है, हाईकमांड का फैसला है, खमर इस्लाम को टिकट मतलब सरेडगी साहब को टिकट दे रहे। हम बोले साहब वो हाईकमांड का फैसला है, सरेडगी साहब को टिकट दे रहे, अब ये हाईकमांड का फैसला है खमर इस्लाम को जिता के लाने का। अब वो हाईकमांड बड़ी कि हाईकमांड बड़ी, फिर लोगों से राय लो, लोगों से मशवरा लो, लोगों को बुला के बोलो हम इसको टिकट दे रहे, आप लोग सब मिलके जिता के लाओ। अरे मशवरा नहीं कुछ नहीं, एकदम फरमान जारी कर दिए, तानाशाही फरमान। अभी निजाम सरकार का भी वैसा नहीं था, वैसे बढ़ के हो गया, ये तो फरमान जारी हो रहा है हम इसको टिकट दे रहे और डालो। तो इस तरह से जो है हम लोगों को, हमको जागना है जरूरी है, और हम जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। हम सबको मुत्तहिद होकर दिल के साथ वोट जब डालेंगे, ये राय है कि हमारी जब राय डालेंगे हम वोट डालेंगे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, या अल्लाह नासिर उस्ताद को तू जीता बोल को वोट डालेंगे। कैसा नहीं जीतता नासिर उस्ताद बोलो। और कुछ लोग बोलते हैं माहौल देखेंगे, जरा रुको रुको, लोग क्या बोलते देखेंगे, हालात क्या आते देखेंगे। अरे हालात देखने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। 313 थे सामने, लाखों थे, हालात नहीं देखे उन्होंने, 313 थे सामने, लाखों थे, और पूरों के पास हथियार पूरे घोड़े, या हमारे पास म्यान है तो तलवार नहीं, तलवार है तो म्यान नहीं, कोई घोड़े पे है तो कोई पैदल है, कोई खच्चर पर है, इतनी खस्ता हालत में है, लेकिन उन्होंने पलट के नहीं देखी हमारी हालत कैसी है। अरे मुत्तहिद हो गए सब काम करें, अभी भी हमको हालात देखना नहीं है, हम हमारी जगह तय कर लेना है कि हमको एक मजबूत मर्द की ज़रूरत है। 20 साल मोहम्मद अली साहब थे तकरीबन, 40 साल खमरुल इस्लाम थे, 7 साल की क़यादत रही गुलबर्गा में, तो माशाल्लाह आज गुलबर्गा में आज इतनी ताकत है हमारे पास, हम नज़र में नज़र मिला के बात कर सकते, खंधे से खंधा मिला के चल सकते, बाजार में हर जगह। ये 5 साल में इतनी कमजोरी आ गई आपको अंदाज़ा नहीं है, बहुत कमजोरी आ गई 5 साल में, बहुत ऐसा सी कमतरी में है बाजार के लोग, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं, सीट बचाने के लिए फिर बुरखा पकड़ के फिर रहे। अरे मर्द के साथ रहो तुम, वो हारा तो भी लीडर, जीता तो भी लीडर है, ये बिचारी हारी तो भी लीडर नहीं, जीते तो भी लीडर नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं, समझ रहे बात को, नासिर उस्ताद के साथ और हाथ तो बोल के क्यों सोचते भाई, तुम पॉजिटिव सोचो, अल्लाह फरमाते तुम जैसा गुमान करेंगे मैं वैसा फैसले करूंगा, अच्छा गुमान रखो। तो लिहाजा जो है हम सब मिलकर नासिर उस्ताद के हाथ मजबूत करना है, और हमको लीडर लीडरशिप हमको डेवलप करना है, कुछ साजिशें हैं लीडर खत्म करना चाह रहे, लेकिन ये साजिशों को नाकामयाब करेंगे अपन, हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर लीडरशिप डेवलप करेंगे। बस काम इंतजार कर रहा है खाना, और कुछ लोग बोलने वाले भी हैं तो बोलिए। तो अभी फैसला हो चुका है, अब बाहर जाके यही बोलिए आप, मशवरा हुआ, मशवरे में तय हुआ, हम सब नासिर उस्ताद के साथ हैं। हाथ उठो भाई, आप लोग भी हाथ उठाइए, फैयाज भाई, असगर भाई, हाँ।